नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का फॉर्म अप्लाई किया तो आपको सभी को इंतजार होगा कि कब तक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम होने वाली है, कब तक दोस्तों इसकी ऑफिशियल डेट है वो सरकार घोषित करेगी, क्या 13 सितंबर को एग्जाम होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों पहले आपका ये ट्विटर पर आपके जो भी स्क्रीन शॉट है वायरल हो रहे थे कि जुलाई के एंड तक आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में 13 सितंबर की आपकी डेट आ चुकी है। इन सभी ट्विटर के जो स्क्रीन शॉट है इनकी क्या सच्चाई है, सरकार आपकी कब तक है वो एग्जाम करवाने वाली है, सरकार की कितनी तैयारी है, पूरा डिटेल से दोस्तों इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि लगातार दोस्तों जो भी राजस्थान से संबंधित भर्तियां होती है, राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, रीट की भर्ती हो, उससे संबंधित जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों पूरा न्यूज देख लेते हैं। पहले दोस्तों ये आपका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, दोस्तों सभी ट्वीट हम आपको दिखाएंगे एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों ये ट्वीट आपका लगभग है आपका जून और मई में दोस्तों ये वायरल हुआ था कि आपकी एग्जाम है वो जुलाई के अंत तक हो सकती है, यानी अंतिम सप्ताह तक हो सकती है। 15 लाख अभ्यर्थी है इसमें और ये ट्वीट आपका लगभग ऑफिशियली था, परंतु दोस्तों कोरोना संक्रमण लगातार देश में बढ़ रहा है, इस समय एग्जाम करवाना लगभग आपका नामुमकिन हो चुका है। यानी सितंबर में आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपका ट्वीट है वो वायरल हुआ था कि कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करें अभ्यर्थी को करना होगा और इंतजार अगस्त माह के अंत में होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, पहले जुलाई में परीक्षा करवाई जाने की थी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, ये आपका है ट्वीट वायरल हुआ था। उसके बाद दोस्तों जो हाल फिलहाल में आपका ट्वीट आया था, ये दोस्तों पूरी तरह आपका ट्वीट फेक ट्वीट है, इसको पूरी तरह लिखा गया ट्वीट है, एडिट किया गया ट्वीट है। यानी पुलिस मुख्यालय की बड़ी खबर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती तिथि आज पुलिस विभाग द्वारा बैठक में की गई थे। यानी दोस्तों अभी कोई भी ऐसी बैठक नहीं हो पा रही है जिसमें आपकी भर्ती की डेट है वो फिक्स की जा सके। पहले राजस्थान से ही दोस्तों जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, पिछले बकाया एग्जाम है उनका डेट शीट यानी कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो अभी आपके लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम करवाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। यानी हम आपको बता दें तो यहाँ आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है, बाकी दोस्तों अक्टूबर तक कोई भी एग्जाम सरकार नहीं करवाएगी। यहां दोस्तों साफ बता देते हैं कि अगर 15 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम करवाएगी तो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इधर से इधर होगा, उसके लिए ज्यादा आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, सेंटर अलॉट करने पड़ेंगे, पहले की तहत दोस्तों आपके दुगुने सेंटर बनाने भी पड़ेंगे। तो यहां सरकार ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेगी, तो एग्जाम या तो नवंबर दिसंबर तक होगा या अगले साल ही आपका एग्जाम होगा। जो भी अभी कैलेंडर आया है उसके आधे एग्जाम भी इस साल नहीं होने वाले हैं, ये दोस्तों सही और सटीक जानकारी है। कई दोस्तों को बुरा भी लगेगा कि ऐसा नहीं होने वाला, पर दोस्तों आप एक बार सोच के देखिए, अगर 15 लाख अभ्यर्थियों का नॉर्मल भी अभी एग्जाम करवाती है सरकार तो उसको कितनी भीड़ का सामना करना पड़ेगा, कितनी ट्रेनें चलनी चाहिए, अगर रेगुलर चलती है तभी कितनी भीड़ होती है, बसें भी चलनी चाहिए। पर दोस्तों अभी आप कंडीशन देख सकते हैं, तो एग्जाम सितंबर में बिल्कुल ही नहीं होगा, अक्टूबर में भी नहीं होगा, या तो नवंबर या दिसंबर में होगा या अगले साल आपका एग्जाम सरकार करवाएगी। दोस्तों ये थी लेटेस्ट खबर, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।